आज के टाइम में जितने भी दल और राजनीतिक पार्टियां हैं उनका संबंध कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जनता पार्टी से रहा है जी। और 1947 से 1973 तक 30 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें कांग्रेस ने निरंकुश राज किया, लोकतंत्र का गला घोट दिया, इमरजेंसी उन्होंने लगाई। और उस टाइम पे ये इमरजेंसी के दौरान सभी गुटों ने मिलकर एक समूह जनसमूह बनाया, एक जनसंघर्ष किया, तो तब ये जनता पार्टी का उदय हुआ था। और आज के भी हालात अगर आप देखेंगे कुछ मिलते जुलते हैं, विपक्ष निरंकुश हो गया है, उनकी कोई चल नहीं रही है, एक तरफ राज हो चुका है, तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए जनता पार्टी दोबारा से खड़ी हो गई। लेकिन सवाल सर एक है कि पूरे हिंदुस्तान का युवा इस समय या तो आम आदमी पार्टी को चाहता है या तो मोदी जी को चाहता है, आप वो क्या देखे कि आप एक ऐसे युवा है जो जनता पार्टी को देख रहे हैं जिसके मसीहा रहे, जिसके संस्थापक रहे जेपी जी, जबकि जेपी आंदोलन का नाम लेकर के जितने लोग पैदा हुए, जितने लोग सीएम बने जैसे मुलायम सिंह, लालू जी, एक कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आप उनसे क्या सीखने जा रहे हैं कि नया युवा जो आज जेपी आंदोलन को सीखेगा या जेपी जी से कुछ सीख रहे हैं, आप वो जानकारी हमें दें। जयप्रकाश लोकनारायण जयप्रकाश जी, उन्होंने कभी भी कोई पद की कभी महत्वाकांक्षा नहीं की कि उन्हें कोई पद दिया जाए, और ना कभी उन्होंने कोई पद लिया, और उन्होंने जनसंघर्ष किया और जनता के लिए काम किया, उसी विचारधारा पे को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपना जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसके बाद जो कांग्रेस का निरंकुश जो शासन चल रहा था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ में चलने के लिए आह्वान किया, और इस जनता पार्टी ने हमारे देश तो को क्या है, मान लिया जाए कि जैसे जेपी जी ने इंदिरा जी के कानून के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ा और देश पर शासन भी किए थे, तो आप वही सोच रहे हैं कि आज मोदी जी की कुछ नीतियों के खिलाफ हैं जो आपको जेपी आंदोलन की याद आ रही है? परिस्थितियां सर आज के समय की और 1977 के समय की लगभग एक जैसी होती जा रही हैं, अभी हुई नहीं है, होती जा रही हैं, कि विपक्ष अभी मजबूत नहीं है, एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, विपक्ष से कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो आप किसी भी उसमें ले लीजिए, आज के टाइम में आरटीआई का आप देख लीजिए, एक आरटीआई एक लोकतांत्रिक देश में एक आम आदमी का एक ऐसा हथियार था जिसमें वो हर एक तरह की जानकारी ले सकता था, और आज के टाइम में उसको भी एक तरह से इन्होंने निजीकरण कर दिया गया है, और आरटीआई भी एक ढकोसला बन के रह गई है, जो एक अच्छा लोकतांत्रिक देश में एक अच्छा लोगों के लिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, जेपी आंदोलन में जो लोग पैदा हुए थे, जितने लीडर थे, आज सीएम बन बन करके लोग रिटायरमेंट लिए बैठे हैं, और आप भी जेपी मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समझौता उनसे तो नहीं हो पाएगा जो जेपी आंदोलन में पहले साथ छोड़ गए थे, या जो जेपी जी के विचारों को छोड़ करके जातिगत राजनीति की और धार्मिक राजनीति किए थे, उनको लेकर के आपसे क्या कभी गठबंधन हो सकता है, ये पक्का आप श्योर कर सकते हैं? बिल्कुल श्योर हैं, और इसमें जो धार्मिक और राजनीतिक जो दल अलग तरीके से अपने काम कर रहे हैं, हम उस विचारधारा पे नहीं चलेंगे, हम जनता से बने हैं और जनता के लिए करेंगे, और जनता की ही जो ये रहेंगी जरूरतें रहेंगी उनके लिए हम खड़े रहेंगे। 2 रुपया समोसा संसद भवन में 2 रुपया समोसा मिलता है, जिनका वेतन लाखों में है, और 350 रुपया कमाने वाला मजदूर वह 10 रुपये में समोसा खा रहा है। भारत के 132 करोड़ जनता से यही अपील करूंगा कि जनतंत्र की रक्षा और जनतांत्रिक मूल्यों के सुरक्षा के प्रति जनता ही उतर जाए, क्योंकि आपने भारत के संविधान, एक चीज़ मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ क्योंकि अब कहना प्रासंगिक ही लग रहा है, क्योंकि भारत की सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, आप मतलब कि तो जहाँ की सरकार ही का उत्तरदायी तो जनता के प्रति नहीं है, लेकिन जनता उत्तरदायी है जनतंत्र के प्रति, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि जनतंत्र की रक्षा के लिए, जनतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए और अपने हक हकूक की हिफाजत के लिए एक बार जनता पार्टी पर भरोसा करें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वही व्यवस्था दूंगा जो मोरारजी देसाई ने कभी दी थी। ले लिया एयरपोर्ट में।
Thank you.